तो एक तरफ बीजेपी 370 सीट जीतने के लिए महामंथन कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष की हताशा बढ़ती जा रही है। आज तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी संकेत दे दिए कि 2024 में मोदी का कोई मुकाबला ही नहीं है। आम आदमी पार्टी 2024 की नहीं, मोदी के खिलाफ 2029 की रणनीति तैयार कर रही है। सुनिए। अब की बार 400 पार। 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव, तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये बयान 2029 की गारंटी है या 2024 में मोदी के फिर से जीतने की? अब तक केजरीवाल विपक्षी दलों के दूसरे नेताओं की तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने का दावा करते आ रहे थे, लेकिन आज उन्होंने अचानक 2024 में मोदी के जीतने की संभावना जता दी। मौका था दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल को विश्वास मत हासिल करने का। आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, इसमें कोई अहंकार नहीं है कि 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव, तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। 2029 में मोदी को हराएंगे, लेकिन 2024 में शायद मोदी जीत जाएंगे, केजरीवाल यही कह रहे हैं। केजरीवाल के बयान का मतलब क्या है? क्या विपक्ष मोदी के सामने हथियार डाल चुका है? क्या केजरीवाल को 2024 से कोई उम्मीद नहीं है? आम आदमी पार्टी अभी से 2029 की तैयारी कर रही है। केजरीवाल 2024 में मोदी से हार मानते दिख रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरा यकीन है कि 2029 में वो भी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होंगे। केजरीवाल के इस आत्मविश्वास की वजह भी है। दरअसल केजरीवाल की अगुवाई में ही आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। देश के 18 प्रदेशों में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है और आम आदमी पार्टी की 2 प्रदेशों में सरकार है। दिल्ली और पंजाब में बीजेपी आम आदमी पार्टी से बुरी तरह हारी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं, जबकि पंजाब में 93 विधायक। दिल्ली पंजाब के अलावा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां आपका विस्तार हो रहा है, जो बीजेपी के लिए आने वाले समय में बड़ी चुनौती बन सकता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर आम आदमी पार्टी कुल 18 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। अब की बार 400 पार। पीएम मोदी अब की बार 400 पार का बिगुल फूंक रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की जबरदस्त तैयारी, मिशन 2024 के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक रही है और शायद 400 का दबाव विपक्ष के सिर चढ़कर बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.